जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे कृष्णा। रक्षाबंधन के पावन पर्व के तुरंत पश्चात आएगी हमारे लीलाधर योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, अद्भुत। मैंने साहब अपनी डायरी में श्रीमद् भागवत पुराण का और श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण सार जो मैंने अपने दिमाग में निर्मित किया है, मैंने अपनी परिकल्पना में सोचा है, वह मैंने सब अपनी डायरी में नोट किया है। मैं आप सभी के साथ उसे आज शेयर करूंगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको अग्रिम रूप में। और भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो मैंने सोचता हूँ, जो मैंने लिखा है, हे सच्चिदानंद स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है। वेदज्ञ ब्राह्मण यह जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण और अंतःकरण के स्वामी हैं। आप समस्त इंद्रियों के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी सर्वेश्वर हैं। हे केशव, इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। हे समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, मैं आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, आपकी लीलाएं ऐसी हैं जिन्हें साधारण पुरुष नहीं कर सकते। अनेक अवसरों पर भी यह प्रकट होता है कि आपकी शक्ति के समान भी और कोई शक्ति नहीं है, फिर अधिक की तो बात ही क्या है। वास्तव में आपकी उन दिव्य लीलाओं से ही यह बात जान पड़ती है कि समस्त शरीरधारियों में शरीर रहित आपने अवतार धारण कर रखा है, इसलिए आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के एकमात्र स्वामी हैं। हे केशव, आप समस्त लोगों के बुद्ध हैं और निःश्रेष्ठ के लिए अपनी संपूर्ण शक्तियों से समय समय पर अवतार ग्रहण करते रहते हैं। हे मधुसूदन, आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे वासुदेव, आपकी बारंबार जय हो। हे राधिका जी के प्राण प्रिय, आपकी बारंबार जय हो। हे केशव, आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे परम कल्याण स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे परम मंगल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे परम शांत, सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे अनंत, हे जगदीश्वर, हे सर्वेश्वर, मैं आपका दासानुदास हूँ, आप मेरी स्तुति स्वीकार कर मुझ पर कृपा करें, आपकी कृपा दृष्टि सजीव मुझ पर बनी रहे। हे परम कल्याण स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे परम मंगल स्वरूप, इस विश्व का कल्याण हो। हे परम मंगल स्वरूप, इस विश्व में शांति हो। हे परम मंगल स्वरूप, हे परम शांत, सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण, आपको बारंबार नमस्कार हो। आप परम सत्य हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप जगदीश्वर हैं, आप निर्विकार हैं, आप निराकार हैं, आप जो हैं विप्र धेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गोपार, और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दृष्टिकां, धर्म संस्थापनार्थाय च संभवामि युगे युगे। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। श्री कृष्ण के गुणों की व्याख्या चर्चा करना बड़ा अद्भुत लगता है, आनंद आता है। भारत को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता जैसा अद्भुत परम सत्य शास्त्र दिया है। अनेक संतों, महात्माओं, ऋषि मुनियों और न जाने कितने लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता में लिखे गए 700 श्लोकों की अलग अलग व्याख्या अपने अपने ढंग से की है, समझने का प्रयास किया है, समझकर भी जो न समझ सके ऐसा प्रयास भी किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत शास्त्र, परम सत्य। परम सत्य का दूसरा नाम श्रीमद् भगवद गीता है, परम सत्य का दूसरा नाम श्री कृष्ण है, परम सत्य का तीसरा नाम परमात्मा है। परमात्मा ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही परम सत्य है, सत्य ही श्रीमद् भगवद गीता है। अद्भुत प्रसंग है। मैं कभी कभी झूम उठता हूँ और कभी कभी सोचता हूँ ऐसा कि अगर अर्जुन हथियार डालकर दोनों सेनाओं के बीच में अंतिम चरण में जब पहुंच गया और दोनों सेनाओं के बीच में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को खड़ा कर दिया, भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर परमात्मा परम सत्य है, जो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, दिव्य भव्य अलग अलौकिक रथ पर भगवान बजरंगबली ध्वजा पर विराजमान हैं, तो जो अर्जुन अगर हथियार डालकर वहाँ पर युद्ध लड़ने से इनकार न करता, तो क्या हमें और इस संसार को और खासकर हिंदुओं को और खासकर इस भारत धरा को श्रीमद् भगवद गीता जैसा अनुपम दिव्य अलौकिक शास्त्र मिलता? नहीं, पर मिलना था, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान श्री राम से द्वापर युग में जब वो अवतार लेंगे
तब भी कथा सुनने का वचन लिया था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो दिव्य उपदेश गीता गायक भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को अर्जुन के माध्यम से सुनाया, वो वास्तव में उन्होंने अपने परम भक्त निष्काम कर्म योगी परम सेवक परम आदरणीय श्री हनुमान जी महाराज को ही वो उस रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो जो कथा गीता गायक भगवान गोविंद ने अर्जुन को सुनाई, जो श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश सुनाया, वास्तव में उस उपदेश को पुनः हमारे श्री हनुमान जी महाराज ने सुना। हनुमान जी की अद्भुत कृपा है अर्जुन के ऊपर, और गीता गायक भगवान गोविंद तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, परम सत्य हैं। क्या प्रसंग मुझे बड़ा अद्भुत लगता है, बैठे बैठे ध्यान आ गया, तो मैं इसको भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो श्रीमद् भगवद गीता का 700 श्लोकों में जो सबसे सुंदर श्लोक मुझे लगता है, अंतिम चरण में, इतना लंबा ज्ञान देने के बाद भी अंतिम चरण में 18वें अध्याय का 66वां श्लोक मुझे बड़ा अप्रतिम लगता है। वास्तव में दिव्य भव्य अलौकिक। जय जय श्री राधे कृष्णा। गीता गायक भगवान गोविंद श्री कृष्ण का जो दिव्य भव्य अलौकिक उपदेश रणक्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया और उसको श्री हनुमान जी महाराज ने ग्रहण किया, अद्भुत 700 श्लोकों में रचित श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक अपने आप में अप्रतिम है, दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है। और इतना लंबा ज्ञान सुनने के बावजूद भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अर्जुन को अंतिम चरण में आकर के जब 18 अध्याय समाप्त होने को आया, भगवान को लगा कि युद्ध के लिए अभी भी तैयार नहीं हुआ, तो हमारे गीता गायक भगवान गोविंद को ये कहना पड़ा कि सर्वधर्मान परित्यज्ये माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्ष यष्यामि मां शुचे। अर्थात समस्त प्रकार के धर्म, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, और उसमें लिप्त समस्त प्रकार के कर्तव्य कर्मों को त्याग कर मेरी एकमात्र शरण में आओ, मैं अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण तुमको अर्थात अर्जुन और अन्य सभी को समस्त अर्थात आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक पापों से, सात्विक, राजसी, तामसिक,